हेलो सभी को नमस्कार। मैं सभी का केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा था यौगिक, और यौगिक में अपने उनके परमाणु बीच लगने वाले बंध के आधार पर कितने टाइप पढ़े थे? तीन, आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और उपसहसंयोजक यौगिक। तो पिछली क्लास में अपन ने आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं उनके एग्जाम्पल और उनके बनने की टोटल अपने अध्ययन कर लिया था। तो नंबर दो है अपना आज सहसंयोजक यौगिक। कौन सा है? सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि परमाणु के बीच लगने वाले बंध के आधार पर यौगिक के टाइप थे। तो आज अपन को देखना है इसके परमाणु बीच क्या बंध, कौन सा बंध रहेगा? सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध रहेगा? सहसंयोजक बंध। बात यह आती है कि सहसंयोजक बंध कब बनता है। तो आयनिक में अपने कहा था कि जिनकी विद्युतणता में अंतर अधिक हो, जिनकी विद्युतणता में अंतर अधिक हो वो कब होगा? यानी एक तो धातु परमाणु होगी, एक अधातु परमाणु होती है, उनके बीच कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध। परंतु यदि जो संयोग करते हैं दो परमाणु, अगर उनकी विद्युतता बराबर हो या लगभग बराबर हो या अधिक अंतर नहीं हो तो उनके बीच जो बंध बनता है उसे बोलते हैं सहसंयोजक बंध। तो इसका मतलब कैसे सहसंयोजक किन्हें कहेंगे? सहसंयोग तब बनते हैं जब जो संयोग करना जो परमाणु होते हैं उनकी विद्युतता लगभग बराबर होगी या उनकी विद्युतता में अधिक अंतर नहीं होता है, उनसे जो यौगिक बनते उसे कहते हैं सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, जैसे H2, Cl2, Br2, CH4 आदि, CCl4 आदि, इन बहुत से एग्जांपल है। यानी इसमें जो संयोग करने उनकी विद्युतता तो बराबर होती है, उनकी विद्युतता में अधिक अंतर नहीं होता है, तो उनसे कौन से यौगिक बनते हैं? सहसंयोजक यौगिक। जैसे अपन बात करते हैं H2, किसकी बात करते हैं? H2। H2 में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? 1s1। तो देखिए ये अपना हाइड्रोजन परमाणु है। कौन है? हाइड्रोजन परमाणु। और दूसरा संयोग इस पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। कितना है? एक। ये दूसरा क्या है? दूसरा हाइड्रोजन परमाणु। दूसरा क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। इस पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन परमाणु का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन, दोनों की विद्युतता कैसे समान है? संयोग करने दोनों परमाणु कैसे समान है? सब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? साझा कर रहे हैं। इस प्रकार जो साझे से जो बंध बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजक बंध। इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध से जो यौगिक बनते उन्हें कहते हैं सहसंयोजक यौगिक। ठीक, तो इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? साझा हुआ है। साझा हुआ तो क्या बन जाएगा? एच बंध, एच हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन, और किसका निर्माण होता है? H2 का। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉनों का निर्माण होता है। दूसरा एग्जांपल अपना Cl2। कौन सा है? Cl2। तो Cl में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। भाई तुमको उसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये Cl परमाणु है, ये क्या है? Cl परमाणु। अब इसमें दो वाले इलेक्ट्रॉन ये रहे, ये वाले। ठीक है, भाई तुमको उसके 7 है, 6, और एक इलेक्ट्रॉन ये यौगिक इलेक्ट्रॉन ये रहा। दूसरा Cl परमाणु, ठीक, भाई तुमको कितने? इसके 7, तो दो इलेक्ट्रॉन एक ये। ठीक, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन एक Cl का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl का, और इसी जो बंध बनेगा उसे क्या बनेंगे? सहसंयोजक बंध। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? साझा। Cl बंध, Cl एक बंध में इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, एक इलेक्ट्रॉन एक Cl का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl का होता है। इस प्रकार किसका बंध बनता है? Cl2
का निर्माण होता है और इसके बीच जो बंध बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजक बंध, इस प्रकार जो यौगिक बंध उसे कहते हैं सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, इस प्रकार अपने जो भी एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन के साजिश से जो बंध बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजक यौगिक। परंतु बात इसके टाइप की करें तो सहसंयोजक यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, एक होता है अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। ये कौन सा अपना ध्रुवीय सहसंयोजक, एक कौन सा है अध्रुवीय सहसंयोजक। तो नंबर एक है अपना अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, वो नंबर दो अपना ध्रुवीय सहसंयोजक। ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय और दूसरा कौन सा अपना ध्रुवीय। अध्रुवीय जिसके अंदर द्विध्रुवीय नहीं होता है, द्विध्रुवीय डायपोल मोमेंट टॉपिक चलता है। इन टोटल बात ये उन परमाणु के बीच जब सहसंबंध बना है जिनकी विद्युतता में अंतर नहीं हो तो उसे कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। जैसे CH4 है, C2H6 है आदि, यानी जितने भी हाइड्रोकार्बन वगैरह N2 है, H2 है, Cl2 है, ये सभी कैसे होते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक। और इधर क्या है अध्रुवीय सहसंयोजक, इधर क्या अपना ध्रुवीय सहसंयोजक। ध्रुवीय सहसंयोजक यानी जिसमें द्विध्रुवीय हो, एक प्रकार जो परमाणु संयोग करें उसकी विद्युतता में अंतर होता है वो यौगिक क्या कहलाते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। जैसे NH3 है, NH3 है, NF3 है आदि, यानी इस प्रकार के यौगिक होते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोरी, इसमें क्या कहलाते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक। ठीक है, इस प्रकार अपना सहसंयोगिक कंप्लीट होता है। तो दूसरा था अपना जो उपसहसंयोजक यौगिक, तो एक उपसहसंयोगक में क्या होता है नंबर तीन अपना उपसहसंयोजक यौगिक। यानी पहले वाले में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जाता है, एक छोड़ रहा था दूसरा ग्रहण करता, आयन बन रहे थे, और दूसरा में क्या था इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे थे, यानी एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दो। यदि बंध उन परमाणु के बीच में बंधा हो जो यानी बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु देता हो, ठीक है, तो उसके बीच जो बंध बनता है उस बंध को कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं उपसहसंयोजक बंध, और उनसे जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। जैसे A प्लस बी इज इक्वल टू ए भी बन रहा है, ठीक है, अभी बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन समझिए, एक में दोनों इलेक्ट्रॉन ए दे रहा है किसको बी को, तो क्या बन रहा है ए बॉन्ड बी, यानी इसको तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, तीर का निशान उस परमाणु, तीर का मुंह उस परमाणु तरफ होगा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी बंध के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाएंगे, उस प्रकार जो बंध बनता है उसे कहते हैं उपसहसंयोजक बंध, उसे जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है उसे कहते हैं दाता परमाणु, और जो इसे ग्रहण करता है उसे कहते हैं ग्राही परमाणु। इस प्रकार दाता और ग्राही के बीच जो बंध बनता है उसे कहते हैं उपसहसंयोजक बंध, और उनसे जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। इस प्रकार अपने यौगिक का जो टाइप था वो कंप्लीट होगा, इस प्रकार यौगिक अपना जो टॉपिक वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।